रबी की फसल के सीजन के बीच यूरिया की दूसरी रेक जिले को नहीं मिलने व खाद की मांग को लेकर अब प्रशासन अलर्ट हो गया। बाजार में व सोसाइटी में खाद न मिलने पर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के चोरी छुपे खाद बेचने के कई मामले सामने आ रहे हैं। आज मनासा में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने तिरुपति बीज भंडार पर चल रहे कालाबाजारी में यूरिया खाद महंगे दाम पर बेचने की सूचना पर उप संचालक के निर्देशन में निरीक्षक जिलाधिकारी वीके श्रीवास्तव व कृषि विभाग अधिकारी श्याम पाटीदार द्वारा मौके पर पहुंचकर सूचना के आधार पर जांच की व सूचना सही पाई गयी, जिसमे 19 टन यूरिया आया हुआ था, जिसमें सिर्फ चार टन यूरिया ही मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए पंचनामा बनाने के बाद किसानों को 267 रुपए में ही यूरिया खाद किसानों को वितरण किया गया। वहीं किसानों का कहना है कि उसी दुकान पर यूरिया खाद 350 से लेकर 380 रुपए तक ब्लैक में बेचा जा रहा है। मनासा से मनीष जोलानिया की रिपोर्ट। काय के लिए आया हूं यहां पे? खाद के लिए। तो क्या कहा यहाँ पे दुकानदार ने? 70 की जगह 350 में भी खाद दी। अच्छा, तो आपने इसको क्या बोला दुकानदार ने आपसे? हाँ। अच्छा, तो अभी तक आपने खाद मिला ही नहीं? मिला अभी संचालक महोदय के द्वारा ये टेलीफोन पे दूरभाष पर बताया गया कि विमान एजिम साहब के द्वारा कहा गया है कि मनासा भंडार के यहाँ यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को अधिक दाम पर यूरिया दिया जा रहा है। और इस संबंध में मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ जांच की, किसानों से बयान लिए। किसानों ने बताया कि 270 रुपए की मैं हमाली के यूरिया बोरी हमें दी है और अभी बात हुई तो हमने सभी से जो रेट है 267 रुपए के हिसाब से किसान को थे। और इसी प्रकार से किसानों को दिया जा रहा है। 19 टन खाद बुलाया था, इसमें से अभी से 4 टन शेष बचा है, जो किसानों को एक एक दो दो बोरी यूरिया हम यहाँ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी किसान लाइन से एक एक दो दो बोरी पे।